ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మ జ్యోతి జగాలే బుజీ హుయి జగాకర్ జ్యోతి స్వరాజ్య ఫిర్ పాలే ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ शांति। अपने इस लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल में आगे बढ़े स्टेप्स बाय स्टेप्स, तो जैसे हमने पर्सनल स्वॉट को देखा, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्योंकि जब अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस यात्रा में सक्सेस या हार का आधार बन जाता है। वीकनेसेस हम जानते तो हैं, परंतु कई बार मजबूरी ऐसी आ जाती है जो इस वीकनेस को दूर करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भविष्य के कॉन्सिक्वेंसेस को हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए इस मॉडल में, अपने जीवन के प्लानिंग मॉडल में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना भविष्य भी क्लियर नज़र आने लगता है। तो तीसरा स्टेप अगर हम लेते हैं तो तीसरे स्टेप में पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे देखा कि समुद्र में जब तूफान आता है तो सबसे सुरक्षित स्थान आई ऑफ द स्टॉर्म होता है। इसी प्रकार अपने जीवन के कई तूफानों में सबसे सुरक्षित स्थान भीतर होता है। इसीलिए अपने आप को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये टर्बुलेंट टाइम्स में भी इफ़ेक्टिव कैसे बनना है ये हमें एक डायरेक्शन मिल सकता है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल मिशन क्लियर होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं, एवरी इंडिविजुअल बिकम सो क्लियर ऑफ व्हाट दे आर फॉर, उसका मिशन क्या है, और वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशनल मिशन के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। परंतु हमारा अपना पर्सनल मिशन भी तो होगा, पर्पस ऑफ लाइफ तो होगा, तो वो लाइफ का पर्पस क्या है। तो इसीलिए पर्पस जानने से यही समय के अंदर जो तूफान आने वाले होते हैं, उस तूफान के बीच में भी हम इफेक्टिव रह सकते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो यही हमें एक इशारा मिलता है, हाउ टू बिकम स्टेबल एंड इफेक्टिव इन टर्बुलेंट टाइम्स एज वेल। परंतु मनुष्य जीवन में अगर देखें तो अलग अलग सेंटर्स है, हालांकि कई प्रकार के सेंटर्स हमारे लाइफ के होते हैं, विशेष रूप से 5 सेंटर्स हैं। मनी सेंटर, पावर सेंटर, वर्क सेंटर, फैमिली सेंटर एंड सोशल सेंटर। ये 5 सेंटर्स लाइफ के हैं, और मनुष्य जब पर्पस को नहीं जानता है कि उसका हायर पर्पस क्या है, तो फिर इम्बैलेंस उसका कहाँ क्रिएट होता है।
या तो वो बहुत ही मनी सेंटर हो जाता है, अर्थात मनी ये उसका प्राइमरी या इम्पॉर्टेंट चीज बन जाता है, और कैसे भी करके पैसे को हासिल करना यही उसके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता, यही उसके जीवन का पर्पस है कि बस कमाना है, कमाना है, कमाना है। ये रियलाइज नहीं करता कि पैसे होने के बाद भी अगर लाइफ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन जो मनी कॉन्शियसनेस है तो उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। तो ये इनबैलेंस उसके लाइफ में क्रिएट करने लगता है। दूसरा सेंटर जो है पावर सेंटर, और पावर सेंटर में व्यक्ति बस अपने आप में पावर को हासिल करने के पीछे लगा रहता है कि कैसे भी करके मुझे पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और इसीलिए उस पावर को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को, अथॉरिटी को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो जो मनी सेंटर होता है उसके लिए मनी सब कुछ है, जो पावर सेंटर होता है वो कैसे भी करके अपने हाथ में सारी सत्ता आ जाए उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और वो सत्ता के लिए अपना जीवन बना देता है। बस पावर एंड अथॉरिटी यही उसके जीवन का एक ध्येय बन जाता है, और इसीलिए उसके लाइफ में भी इम्बैलेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। वो भी अपनी मानसिक स्टेबिलिटी को बना नहीं सकते। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, वर्क सेंटर, और इतना वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि काम ही उसके लिए सबसे प्रथम चीज है, प्रायोरिटी है, फैमिली भी बाद में, सब कुछ बाद में, बच्चे भी बाद में, उसका जीवन भी बाद में, उसका हेल्थ भी बाद में, लेकिन वर्क उसके लिए सब कुछ है, और इसीलिए वो सारा दिन समय अपना वर्क में ही बिताता रहता है। वर्कोहॉलिक, टू मच वर्कोहॉलिक, तो वो भी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने लगता है कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन दूसरी ओर उसका लाइफ टोटल ही खत्म हो जाएगा, उसका जीवन जीवन नहीं रहेगा। चौथा है फैमिली सेंटर, उसके लिए सब कुछ उसकी फैमिली है, फैमिली के बिना बस कुछ नहीं है उसका, वर्क भी बाद में, पैसे भी बाद में, सब कुछ बाद में, लेकिन पहला उसका फैमिली, और इतना फैमिली कॉन्शियस हो जाते हैं बस उसी में ही सारा जीवन जैसे उसका बीतता जाता है। टू मच अटैचमेंट, बहुत ज्यादा ही मोहवश वो परिवार को अपना प्रथम सब कुछ स्थान दे देता है। और पांचवें प्रकार के लोग हैं जिसका सोशल सेंटर होता है, वो कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और सोशल एक्टिविटी को ही ज्यादा महत्व देने लगता है। तो इसी तरह देखा जाए कि व्यक्ति अपने फैमिली को भी ध्यान नहीं देता है, अपने कार्य को भी ध्यान नहीं देता है, अपने हेल्थ को भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसके लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपना एक स्थान बनना चाहिए, ये होना चाहिए, या ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसी में ही कभी कभी अपने आप को भी खत्म कर देते हैं। एक बार एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, बहुत ज्यादा उसने पैसा कमाया, बहुत लीडिंग बिजनेसमैन में उसका नाम आता था, परंतु एक बार जब उससे बैठ करके बातें कर रहे थे तब पता चला कि दूसरी ओर वो टोटल ही अनसक्सेसफुल था। उसने, उसकी फैमिली लाइफ ही नहीं थी, पैसे बहुत थे उसके पास, बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया, इतना वर्कोहॉलिक हो गया था
कि अधिक से अधिक समय वो बिजनेस के पीछे दे रहा था, तो बिजनेस फील्ड में तो काफी सक्सेसफुल पर्सन था, लेकिन दूसरी ओर उसका फैमिली बर्बाद हो गया। पहली शादी की वो वाइफ को ध्यान नहीं दे सका, वो उसको छोड़ करके चली गई। दूसरी शादी किया, दूसरी वाइफ के प्रति भी ध्यान नहीं दिया, तो वो भी कोई और रूप से उसको छोड़ करके चली गई। तीसरी शादी किया, तीसरी शादी करने के बाद भी जब वो अपने आप को होश में नहीं ला सका, तो तीसरी वाइफ को भी कोई ना कोई बीमारी हो गई और उसने शरीर छोड़ दिया। तो एक दिन वो बैठा था, उसने कहा, बिजनेस लाइफ में तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में फैमिली का लव, फैमिली क्या होती है, उसका अनुभव नहीं किया। और उसके बच्चे रुल गए, कहीं के नहीं रहे। कारण क्या था कि इम्बैलेंस। तो एक फील्ड में तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फैमिली क्षेत्र में टोटल ही अनसक्सेसफुल रहा। पर्सनल लाइफ में उनको हैप्पीनेस नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, तो क्या उसको सक्सेसफुल पर्सन कहेंगे? नहीं, सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं। एक क्षेत्र में सक्सेसफुल होना वही सक्सेस नहीं है, लेकिन जितने भी एरियाज हमारी लाइफ के हैं, सभी बैलेंस्ड हो, सभी में हमें अपने आप को भी संतुष्टि मिले, हमारी मानसिक स्टेबिलिटी हो और हर प्रकार की परिस्थिति में हम इफेक्टिव बने, उसको कहेंगे सक्सेसफुल। तो इसीलिए ये पांच जो सेंटर्स है, उससे भी अधिक और कुछ है जिसको अभी तक हमने समझा नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करें कि मेरा जीवन का हायर पर्पस क्या है। और इसीलिए बहुत सुंदर कहा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेंटर इज सो इम्पॉर्टेंट। इफ द सेंटर वी हैव एट प्रेजेंट डज नॉट एम्पावर अस टू द लेवल वी वॉन्ट एज अ प्रोएक्टिव पर्सन, देन इट इज नेसेसरी टू शिफ्ट आवर सेंटर टू समथिंग दैट विल। तो इसीलिए ये हायर पर्पस को हमें आइडेंटिफाई करना है। इस हायर पर्पस को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता क्या है, क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए? तो हायर पर्पस को आइडेंटिफाई इसीलिए करना चाहिए क्योंकि यही एक एक्सेलेंस का के लिए मोटिवेशन है। इट इज ए मोटिवेशन फॉर एक्सेलेंस। दूसरी बात, अ पॉइंटर फॉर अ डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ, कि वही एक जीवन में कंपस का कार्य करने लगता है जो हमारी लाइफ में एक डायरेक्शन देता है। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये नहीं, ये राह ठीक है हमारे लिए। तो इस प्रकार एक पॉइंटर देते हुए हमारी लाइफ में डायरेक्शन देता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इट इज अ सोर्स ऑफ कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी, कि जो हमें अंदर से, भीतर से प्रतिबद्ध होने लिए प्रेरित करती है, और साथ ही साथ लाइफ में कंसिस्टेंसी देती है ताकि हमारा लाइफ स्मूथ रीति से चल सके। और इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन विद अदर्स। ऐसा पर्पस हो कि हम दुनिया में अपने आप को अलग नहीं कर दे टोटली, जैसे कोई कहे ये तो अलग दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहां हम अपनी लाइफ को दूसरे के साथ भी बैलेंस्ड कर सके। तो इसीलिए पर्पस की आवश्यकता है। पर्पस क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो पर्पस क्या है, तो पर्पस हमारी लाइफ को एक अर्थ देने लगता है। जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन को एक अर्थ देता है। एक कहानी याद आती है कि एक बार जैसे माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर को देखते हैं, तो दिलवाड़ा मंदिर ये सबसे सुंदर
मार्बल आर्किटेक्चर वर्क है। सारे विश्व में ऐसा मार्बल आर्किटेक्चर वर्क कहीं नहीं मिलेगा। परंतु ये मार्बल का जब आर्किटेक्चर वर्क चल रहा था तो दो शिल्पी कार्य कर रहे थे और एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। तो पहले शिल्पी को उसने पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं पत्थर काट रहा हूं, आई एम कटिंग अ स्टोन। थोड़ा आगे गया वो व्यक्ति, जब दूसरे शिल्पी को देखा कार्य कर रहा है, उसको उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं। अब दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य कर रहे थे, लेकिन दोनों का जीवन का मकसद अलग अलग था। पहला व्यक्ति जो पत्थर काट रहा था, वो मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। परंतु दूसरा व्यक्ति जिसके भी वही कार्य में अपने आप को जोड़ करके जिसने रखा था, परंतु उसके पास एक अर्थ था और इसीलिए वो अपने हृदय को भी उसमें साथ जोड़ रहा था। पहला व्यक्ति जिसके पास कोई मीनिंग नहीं था कि ये पत्थर काटने का काम मैं क्यों कर रहा हूं, परंतु दूसरा व्यक्ति जो था उसके पास इतनी क्लैरिटी थी कि ये पत्थर जो मैं काट रहा हूं, जो बना रहा हूं, वो एक दिन मंदिर का सबसे अच्छा पीस होना चाहिए जिसको देख करके लाखों लोग अप्रिशिएट करें। तो उसके पास भविष्य भी बहुत क्लियर था कि किस प्रकार समय आएगा, लोग जब देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये पीस किसने कार्व किया है, कितना सुंदर है, और लोग देख देख करके अप्रिशिएट करेंगे। तो इसीलिए वो जो काम कर रहा था उसमें वो अपने हृदय को जोड़ रहा था और साथ ही साथ इतना सुंदर से सुंदर बना रहा था, तो एक अर्थ दे रहा था उसके कार्य में। और वो जो उसका अर्थ मिल रहा था उस कार्य के लिए, उसको देख करके उसको थकान नहीं होती थी। सारे दिन कार्य करने के बाद भी शाम को भोजन के बाद जब रेस्ट का समय होता था, तभी भी उसका मन चलता था, इसको और सुंदर रूप कैसे मैं दे सकता। जबकि दूसरा व्यक्ति सारा दिन काम करने के बाद रात्रि ऐसे थक जाता था क्योंकि वो मेहनत और मजदूरी कर रहा था। इसी प्रकार हम अपने जीवन में कोई अर्थ से जी रहे हैं या सिर्फ मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं? हमारे जीवन का अर्थ क्या है? आजकल कहा जाता है कि विदेशों में लोगों के सामने सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि व्हाट डज लाइफ मीन, आखिर भी जीवन का मतलब क्या है, किस लिए हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का कोई तो अर्थ होगा ताकि हम अर्थ सहित जीवन बिता सके। वो अर्थ अभी तक लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है और इसीलिए वो अपने जीवन का पर्पस ढूंढ रहे हैं। तो पर्पस क्या है? पर्पस इज टू फॉलो योर हार्ट। हमारा हृदय जो हमें कह रहा है उसको हम फॉलो करें एंड डू द थिंग्स दैट रियली मैटर, ताकि हम वही करें जो हमारा हृदय कह रहा है, न कि दिमाग कह रहा है, लोग कह रहे हैं इसीलिए मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय मुझे कह रहा है वो मुझे करना है। दूसरी बात, पर्पस वह है कि जो हमारे भीतर शक्तियां हैं, अर्थात टू रिकॉग्नाइज एंड यूज योर रिसोर्सेज एंड टैलेंट्स फॉर द ग्रेटर गुड, अच्छे से अच्छे रूप में उसको यूज करें। हमारी शक्तियां, हमारी स्किल्स, हमारी कलाएं जो हमें गॉड गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है, उसको बहुत अच्छे तरह से हम यूज करें, ताकि हमें उसको यूज करने से एक जीवन में सेटिस्फेक्शन मिले।
कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाया, परंतु भगवान से जो मुझे टैलेंट्स मिली थी, जो शक्तियाँ मुझे मिली थी, वो शक्तियों का मैंने सही सदुपयोग किया। तीसरी बात, पर्पस गिव्स यू एन एंकर एंड अ सोर्स ऑफ डायरेक्शन, कि जहां हमें अपने आप को रोक लगाना है, अगर हम अपनी दिशा से हट भी गए हैं, दूसरी दिशा में भी चले गए हो, तो वो हमें एंकर देता है कि नहीं, ये दिशा में हमें नहीं जाना है, इस दिशा में हमें जाना है। मानो तूफान अगर ले भी जाने की कोशिश करे, तो हम अपने जीवन को एंकर दे सके कि नहीं, इस प्रवाह में मुझे बहना नहीं है, भावना के प्रवाह में मुझे आकर के बहना नहीं है, या लोग जिस प्रवाह में चल रहे हैं उस प्रवाह में मुझे अपने आप को ले नहीं जाना है, लेकिन मुझे अपने लाइफ को जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ वैसे जीना है। इसी तरह पर्पस इज टू एक्सप्लोर व्हाट इज मीनिंगफुल एंड ट्रूली बी यू, जो हमारे लिए बहुत ही रहस्य युक्त बातें समाई हुई है, उसको हम एक्सप्लोर करें। जैसे आज बाह्य जगत को एक्सप्लोर किया है ना, और अच्छे से अच्छी चीजें मनुष्य ने ढूंढ निकाला है, और जब वो ढूंढते हैं तो कितनी सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है। इसी प्रकार लाइफ में जब पर्पस है तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी लाइफ को भी, और इसीलिए कहा कि भविष्य कांस्टेंट हमारे सामने नई नई प्रेरणाओं के साथ खुलने लगेगा। पर्पस कंटिन्यूज टू अनफोल्ड, अलग अलग सीक्रेट्स को हमारे सामने खोलने लगेगा। तो इसीलिए ये पर्पस है। और पर्पसफुल जीवन जीने से बेनिफिट क्या है, क्या हमें प्राप्ति होनी है, क्यों हमें पर्पसफुल जीना चाहिए, पर्पस को तो समझ लिया, परंतु पर्पसफुल लाइफ क्यों होनी चाहिए? तो कहा गया है कि पर्पस एक्ट्स एज अ स्क्रीन टू फिल्टर योर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज एंड अ फाउंडेशन टू बिल्ड योर फ्यूचर। तो जैसे हम अपना फ्यूचर बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। दूसरा, पर्पस अलाउज अस टू लिव एंड वर्क इन अ सस्टेनेबल वे, हम अपने आप को सस्टेन कर सके, चला सके, जीवित रह करके आगे बढ़ सके, इसीलिए। तीसरी बात, पर्पस गिव्स अ कॉन्स्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड, जो तीव्र गति के परिवर्तन के युग में हम जी रहे हैं उसमें भी हमें नवीनता प्रदान करेगा, जिससे हम अपने जीवन से कभी ऊब नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन हमें बहुत सुंदर महसूस होने लगे। एंड इट एनकरेजेस यू टू एडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, कि जिससे हम जो सेवा भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर के वो मनोवृत्ति, वो दृष्टिकोण जीवन में अपना सकते हैं, जिससे हम खुद की सेवा भी करें और साथ में सारे विश्व की सेवा के लिए भी अपने आप को यूजफुल बनाएं। तो इसीलिए पर्पस हमें बहुत कुछ जीवन में देता है। तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपका पर्पस क्या है, क्या जीवन सिर्फ ऐसे ही जी लेना, वो तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, हमने भी अगर वही किया, बस सुबह उठे, नहाया धोया, काम पर गए, कमाया खाया, और उसके बाद अपने परिवार की पालना की और फिर रात्रि सो गए, क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और है? जीवन हमें कुछ और संदेश दे रहा है कि किस प्रकार हमें जीवन में और कुछ नवीनता को अपनाना है, और इसीलिए ये पर्पसफुल लाइफ लीड करना बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में। तो आप अपने पर्पस को भी ढूंढिए और अपने पर्पस को भी ढूंढ करके वैसे जीवन जियो, तो संपूर्ण रूप से आनंद और खुशी, संतुष्टि
आपके लाइफ में भी प्राप्त हो सकेंगी। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपने मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। सखी रे मैंने